दिवाली का मौका है तो पटाखे भी जमकर फूटेंगे, लेकिन इस बार कोटा वासियों की जुबान पर भी स्वाद के पटाखे फूटने वाले हैं। कोटा में मिठाई विक्रेताओं ने मिठाई को ही पटाखा बना दिया है। जी हां, कोटा में पटाखे की शक्ल में लोगों को मिठाई खाने को मिलेगी। नए कोटा और औद्योगिक क्षेत्र में कुछ मिठाई विक्रेताओं ने इस बार नया प्रयोग करते हुए पटाखे की शक्ल में मिठाइयां तैयार की है। सूतली बम, अनार, पटाखे की लड़, चक्री, चॉकलेट बम और दीपक वाली मिठाइयां तैयार की है, जिसकी बाजार में डिमांड भी तेज है। ताकि वो खाए, जलाए ना, खाए उसकी, इसको तो पॉल्यूशन नहीं चाहिए। सर, इसमें हमारे पास में अनार है, सूतली बम है, चक्री है, लड़ है, हमने इसमें कुछ मैच बॉक्स बनाई है, हमने इसके अंदर छोटे छोटे घर पे जो अपन दिए लगाते हैं उस टाइप के दिए भी बनाए हैं, तो बहुत सारी और भी वैरायटी हमने इसमें कंट्रीब्यूट की है, जो अलग अलग देखने में बहुत अच्छी सुंदर भी लगती है और बच्चों को अट्रैक्शन इनका बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से वो खाने में भी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। डिमांड भी काफ़ी, डिमांड भी सर इसकी आती है, गेस्ट अच्छे खासा मांगते हैं। सर, ये माहेश्वरी स्वीट्स करके हमारा शॉप है तलवंडी में भी, वहाँ पे हम ये आपको अवेलेबल होगी और वहीं पे आपको मिलेगी माहेश्वरी स्वीट्स। मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि बच्चों को दिवाली पर सबसे ज्यादा पटाखे पसंद हैं, तो बच्चे मिठाई से दूर रहते हैं। बच्चे मिठाई से दूरी नहीं बनाए, इसी को लेकर खासकर बच्चों के लिए पटाखे की शक्ल में मिठाई खाने को मिलेगी। सभी मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट्स बेस पर तैयार की गई हैं। किसी प्रकार का कलर या कोई एसेंस मिलावट वाली वस्तु का इस्तेमाल मिठाई में नहीं किया गया है। इन मिठाइयों को बनाने के लिए बंगाल से कारीगर बुलाए गए हैं। दीपक बनाए हुए हैं, तो ये सारी मिठाइयां हमने ड्राई फ्रूट बेस पे, फूड पे और बच्चों को देखते हुए बनाई गई है। ये किसी भी तरीके की कोई इसमें हानिकारक यूज नहीं किया गया है। हम करीबन पिछले 15 दिनों से बनाए गए हैं और ये कोटा की एक बहुत अच्छी डिमांड होती है, तो उसको देखते हुए बना रहे हैं। हमारे जो कारीगर हैं सारे बाहर से आते हैं, पूरे बंगाल से कारीगर के माध्यम से बनाए जाते हैं। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।